नूर आपको देखकर बहुत खुश हुई है। ये नूर से तुम्हारा क्या रिश्ता है? बेटी है वो मेरी। बेटी? ये कैसे मुमकिन है? मैंने तो तुम्हें अभी तक तलाक नहीं दी ना, यही कहना चाह रही। हमने सलमा जहां और नूर को इतने सालों इसलिए पाला कि एक दिन वली खान आए उन दोनों को यहां से ले जाए। हमने उन दोनों पे जो खर्चा किया है हम उसे सूद समेत वसूल करेंगे। लेकिन वो नूर आपके काम की नहीं है। तुम क्या जानो नूर कितने काम की है। खैर, वक्त आने पर तुम्हें भी पता चल जाएगा। एक आपका नाम ही तो है जो आज तक मेरे साथ है। तो फिर ये नूर आपकी बेटी है, आपका खून। मेरा खून? लेकिन तुमने तो मेरी औलाद को पैदा होते ही, इसीलिए तो मैंने तुमको, इसीलिए आपने मुझे छोड़ दिया और एक बार भी मुड़कर नहीं देखा। क्या अपनी मोहब्बत पर इतना भी एतबार नहीं था आपको? चाय लगा दी है मैंने, आप लोग आ जाइए। अंकल, अम्मी, अंकल चाय पी करने गए, चले गए ऐसे? पता नहीं बेटा। क्या हुआ? वली खान चला ही गया ना? आपकी बात हुई सलमा जहां से, क्या बताया? क्या क्या बातें हुई इन दोनों के दरमियान? क्या वो इन दोनों को लेने आएगा? सलमा बड़ी घुन्नी है, इतनी आसानी से कहां वो कुछ बताती है। तो आप पूछिए ना सलमा जहां से, क्या पता वली खान इन दोनों को फिर लेने आए। हमें उसके यहां आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस हमें तो ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं वो सलमा और नूर को यहां से ले ना जाए। जब वो पहले इन्हें नहीं लेके गया तो अब क्यों लेके जाएगा? क्या अब उसका बाप मान जाएगा? पहले की बात और थी, पहले वो ये नहीं जानता था कि सलमा के पास उसकी औलाद है, उसकी बेटी नूर। दुनिया के काम भुलाकर यहां चुप साध के बैठे हुए वली, वली क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि ऐसा कौन सा जरूरी काम था कि इतनी रात गया पाए हैं? मैं हर बात तुम्हें बताना जरूरी नहीं समझता। जी, मुझे तो कुछ भी बताना जरूरी नहीं है। मुझे तो ये भी बताना जरूरी नहीं है कि कल आप शगुफ्ता भाभी के घर गए थे और वहां एक दफा भी आपने जावियार और बुशरा के रिश्ते की बात नहीं की। जबरदस्ती से बांधे गए रिश्तों की उम्र लंबी नहीं होती। क्या आप कहना क्या चाहते हैं? यही कि जावियार बुशरा से शादी नहीं करना चाहता। बताएं अम्मी, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। इतना बड़ा सच आपने मुझसे क्यों छुपाया? मेरे वालिद जिंदा हैं, इसी शहर में मौजूद हैं, और आपने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया मुझे। क्यों किया आपने ऐसा? नहीं, मैंने, बेटा मैंने कोई धोखा नहीं दिया, मैं मजबूर थी बेटा, कुछ ना कह सकी। मैं बताना चाहती थी लेकिन मजबूरी थी मेरी। मजबूरी? कैसी मजबूरी अम्मी?
मेरे अब्बू जिंदा है और आपने मुझे यतीमी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया, और वो उनको एक दिन भी मेरी याद नहीं आई कि उनकी औलाद हूं मैं, या फिर उन्होंने मुझे अपनाने से ही इनकार कर दिया, या फिर मैं उनकी नाजायज औलाद हूं। बस इसके आगे एक लफ्ज भी मत बोल, तुम नाजायज नहीं हो, इससे तो उनकी उनका खून हो। मेरी बरसों की रियासत को इस तरह से मिट्टी में तो मत मिलाओ तुम। क्यों नहीं मिलाओ अम्मी, इज्जत नफ्स मिट्टी में मिल गया, क्यों किया आपने ऐसा? नहीं बेटा नहीं, ऐसा नहीं है मेरी जान, ऐसा नहीं है। मैं तुम्हें बताना चाहती थी लेकिन बस बता नहीं सकी। नहीं बेटा, हाथ मत लगाए मुझे, मैं बताना चाहती थी, मजबूर होगी ना, अब क्या कर सकती थी मैं उसे। वो अपने मुझसे मेरी शनाख्त, मेरी पहचान सब छीन लिया, और इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। नहीं नूर, नूर मेरी बात सुनो बेटा, कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। हाँ सितारा जहाँ, कैसी हो? हम तो ठीक हैं, लेकिन चांद बेगम बहुत उदास हैं। आपके लिए आपने चक्कर ही नहीं लगाया? हाँ लगाऊंगा, चक्कर लगाऊंगा आज ही, मगर एक शर्त है मेरी। शर्त? कैसी शर्त? मैंने जो काम कहा था मैं वो कराओ, तुमने जितना पैसा मांगा था मैं लेकर आ रहा हूँ। तो फिर ठीक है, आ जाइए। आप तो जानते हैं सितारा जहां अपने वादे से मुकरा नहीं करती। ठीक है आ रहा हूं। अम्मी कहाँ जा रही हैं आप? हम दोनों जा रहे हैं, बस जल्दी करो जी। हम दोनों? लेकिन कहाँ और क्यों? बाद में बताऊंगी बेटा, अभी टाइम नहीं है। लेकिन हम जाएंगे कहाँ? नूर अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ रुके ना तो फिर कभी नहीं जा सकेंगे, जल्दी करो। चलो जल्दी करो, चलो चलो। जब तक मुराद अली नहीं आता ये कमरे में बंद रहे। नहीं सितारा, तुम ऐसा नहीं कर सकती। शाबाश, बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। और सुनो, ये दरवाजा बंद रहना चाहिए जब तक कि मुराद अली नहीं पहुंच जाता, समझे? बहुत एहतियात से, गलती की गुंजाइश नहीं है, समझे? मामा, जावियार क्या बात करने आया था बाबा से? मुझे क्या पता? आपने पता क्यों नहीं कराया? तुम्हारे बाबा ने मुझे चाय बनाने भिजवा दिया था। मुझे तो लगता है कोई बहुत बहुत सीरियस बात है। मैं भी पता चला कर ही रहूंगी कि खिचड़ी क्या पक रही है। और सुनो ये, मैं कुछ खाने को लेने जा रहा हूँ, तब तक इन पर नजर रखो और कोई गलती ना हो। क्या है? इतनी देर से तुम यहाँ बैठे हो, ना कुछ खाया है ना पिया है। तुम्हारे लिए जूस लेकर आया था।
ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हें मेरे इतने ख्याल क्यों आ रहा है? लो भाई, भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। तुम्हारे साथी जरा दूर चले गए, आते आते आएंगे। सोचा तुम्हारे लिए जूस ही ले आऊं, तुम्हें पूछ ही लूं कुछ। अच्छा ये बताओ, जूस कौन सा है? अनार का जूस है, स्पेशल तुम्हारे लिए। लो पियो। ये मुझे इतने चक्कर क्यों आ रहे हैं? वैसे ही तुम्हारी तबीयत खराब होगी। जल्दी करें, जल्दी। बड़ी मुश्किल से बेहोशी की दवाई देकर आया हूँ, कमबख्त कहीं जा ही ना जाए। हाँ चले अम्मी, क्या कर रही हैं? सावल, अगर मेरे एहसानों का बदला चुकाना चाहते तो मेरी बच्ची को इस पते पर पहुंचा दो। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकती, आप चले मेरे साथ। नहीं बेटा, तुम्हें जाना होगा, तुम चली जाओ। अम्मी मैं आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब कुछ नहीं होगा बेटा, तुम चले जाओ बस, वो तुम्हारे पीछे है। जल्दी करें, आना चाहे। जाऊंगी, एक मिनट। पर अम्मी आप भी तो साथ चले ना। बस सामने से ले जाओ, तुम्हें मेरी कसम, और कुछ नहीं बोलोगी तुम। मेरी बच्ची, मैं तुमसे मिलने के लिए आऊंगी, करना करो, बस तुम चले जाओ। लेकिन अम्मी। चले जाओ बच्ची, जा जा मेरी बच्ची, जा जा सामने ले जाओ, जल्दी कर। ये आपको किससे मिलना? ये वली खान का घर है जी। ये खत उन्हें दे दे जाकर। जी आप अंदर आ जाएं, मैं मिलकर आऊं। क्या बात है, पूरी देर कैसे आ गए? जी जनाब, बाहर लड़की आई है। की? वली साहब का पूछ रही थी और वली साहब से मिलना चाहती है। मुझसे? नाम बताया उसने? लाओ दो। वली खान, मैं तुम्हारी अमानत तुम्हारे पास भेज रही हूँ। नूर तुम्हारी बेटी है, तुम्हारा खून, उसके सर पर हाथ रख देना, अगर तुम्हें सना कर सको तो बेशक उसे जहर देकर वही मार देना, क्योंकि अब मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सकती, फैसला तुम्हारे हाथ में। आओ बेटा, आओ आओ, तुम ठीक तो हो ना? जी। किसके साथ आई हो? मैं अकेली आई हूं। आज से तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। आओ। वली खान, वली खान, बच्ची कौन है? ओ, बाबा मेरे दोस्त की बेटी है। आपका ऐसा कौन सा दोस्त है जिसने इतनी रात गए अपनी बेटी को अकेले भेज दिया? बाबा वो मेरे दोस्त का कार एक्सीडेंट में वो इंतकाल हो गया, तो अब इस बेचारी के पास कोई जगह नहीं है रहने की, तो मेरे पास चली आई। तो उसकी माँ किधर है जी? वो तो इसके पैदा होते ही फौत हो गई थी। अब इस बिचारी का मेरे अलावा कोई है नहीं। आपके अलावा? वली, आपका ऐसा कोई दोस्त नहीं जिसको मैं न जानती हूँ? ये लड़की अचानक यहाँ
इसका कोई और रिश्तेदार नहीं है क्या? अब नहीं है तो यहाँ आई है ना बाबा जान, क्या मैं इसे यहाँ रख सकता हूँ? हाँ, अब इसको ब्यास तो नहीं छोड़ा जा सकता ना, इसे रख। ठीक है बच्चे, इधर आओ, विवेक करो, जो तुम्हारा घर है इधर आओ बेटा, आओ। अच्छा रखनी चाहिए मुझे किसी भी कीमत पर। आप फिक्र क्यों करते हैं, हम ढूंढ लेंगे ना नूर को, ये सितारा जहां का आपसे वादा है। अरे कहाँ चल दिए मुराद जी, जान बेगम कब से आपकी राह में दिलकी बिछाए बैठी है। मूड खराब हो गया मेरा, किसी से नहीं मिलना। रुके तो सर, मिल लेते तो दिल बहल जाता आपका। यकीन कीजिए लड़की, बात सुनो। जी क्या नाम है तुम्हारा? नूर। तुम्हारी माँ का? मेरा मतलब है कि तुम्हारे माँ बाप का क्या नाम? क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं, बस इसे बातचीत कर रहे थे। बहुत चुप चुप रहती है ना, तो मैंने सोचा कल को ये ना कहे कि इस घर में मेरा दिल ही नहीं लगा। तुम्हें कोई जरूरत नहीं इसका दिल बहलाने की। नूरजान बेटा आओ मेरे साथ, एक जरूरी बात करनी है। आओ। ये कोठा है चांद बेगम और तुम तवाइफ, तुमसे पहले भी कोई थी और तुम्हारे बाद भी कोई होगी, मत भुला करो। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, नाराज? मेरा आपसे ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मैं आपसे नाराज हूं? ऐसा क्यों कह रही हो? मैं जानता हूं हमारे दरमियान फासले रहे हैं, आखिर अभी तो तुम मेरे साथ हो और हमेशा मेरे साथ रहोगी तुम। और फासले कभी भी रिश्ते अलग नहीं कर सकते और नजदीकियां कभी रिश्ते बना नहीं सकती। आपने कभी नहीं सोचा कि हमने इतने साल कैसे गुजारे आपके बगैर? मजबूर था मैं। मजबूर? कैसी मजबूरी थी आपकी? कब तक तुम यहां मुफ्त की रोटियां तोड़ोगी? कोई काम कर लोगी तो एहसान तो नहीं होगा ना? अब चाहो कोई और भी तो काम करना है। ये देखो बाहर दरवाजे पे कौन है। ना